वेलकम टू विकास मरीना फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको मतलब एक्वाटिक मैरीटाइम इंस्टीट्यूट के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। बेसिकली गाइज, एक्वाटिक मैरीटाइम इंस्टीट्यूट है गाइज, वो न्यू दिल्ली में पड़ता है। मतलब आप बोल सकते हो कि मतलब एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है फॉर जीपी रेटिंग के लिए, मैं बता रहा हूँ। मतलब जीपी रेटिंग के लिए एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है एक्वाटिक मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, क्योंकि मुझे कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई मतलब एक्वाटिक के बारे में वीडियो बनाओ, तो मैं सोचा ठीक है चलो इस पर एक वीडियो बनाता हूँ। तो सी गाइज, मैं बता दूँ आपको, एक्वाटिक आप बोल सकते हो कि एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है, मतलब टॉप 10 में आता है बोल सकते हो। और बात करूँ मैं एक्वाटिक मतलब इंस्टीट्यूट की, तो गाइज वो DG अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है। मतलब वो आप DG की साइट पे जाओगे तो आप देख सकते हो वहाँ पे DG अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है गाइज। तो मतलब आपको तो पता है, अगर DG अप्रूव्ड है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं मतलब एक्वाटिक का जो भी मतलब उनका जो कैंपस है गाइस, और जो फूड्स है, तो सी गाइस कैंपस वगैरह सब बढ़िया है गाइस। मतलब आपको कोई कहीं भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, आप बिंदास जाके आप अपना मतलब 6 मंथ का कोर्स कर सकते हो, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा गाइस। और वहाँ पे फूड वगैरह भी ठीक है गाइस, क्योंकि आपको ट्रेनिंग करना होता है और नॉर्मली आप 6 मंथ आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ गाइस, जो एक्वाटिक मैरीटाइम इंस्टीट्यूट है गाइस, तो वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे मतलब ये GP रेटिंग होता है, वहाँ पे STCW का कोर्स होता है, और फिर आपका सेकेंड प्रिपरेटरी जो भी कोर्स होता है वो होता है, ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ एक्वाटिक मैरीटाइम इंस्टीट्यूट का मतलब जो फीस वगैरह है, तो सी गाइस एक्वाटिक मैरीटाइम इंस्टीट्यूट का जो फीस है वो मतलब 2,40,000 है फॉर 6 मंथ के लिए। और मैं अभी प्लेसमेंट की बात करूँ गाइस, तो कॉलेज में कैसा है गाइस, वहाँ पे मतलब RPSL कंपनीज होती है गाइस, तो मतलब आप देख सकते हो कि प्लेसमेंट तो मिल जाता है, मतलब ऑल ओवर देखोगे तो प्लेसमेंट मिल जाता है कहीं ना कहीं कैसे भी कैसे करके। तो मतलब आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा अगर। और यहाँ पे गाइस एक बात और है एक्वाटिक मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में, यहाँ पे आपको मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई देना नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इंस्टीट्यूट में जाके एंट्रेंस एग्ज़ाम देना, इंटरव्यू देना, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बताए थे कि मतलब वहाँ पे नॉर्मली आप जाओगे, आपका मतलब जो भी प्रॉस्पेक्टस होता है वो देंगे, आप उसमें से देखो जो भी है, और उसके बाद आप डायरेक्ट अपने पेमेंट करना है आपको, मतलब फॉर्म फिल करना पड़ता है। फॉर्म फिल करोगे एक्वाटिक मैरीटाइम इंस्टीट्यूट का, अभी तो रिसेंटली अभी तो फॉर्म निकला हुआ है, बात हुई थी मेरी इंस्टीट्यूट में तो फॉर्म निकला हुआ है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और वो लोग एक्चुअली देखो गाइस, आप जब फॉर्म डाउनलोड करोगे ना, तो मतलब फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं गाइस, एक आपका आधार कार्ड होता है, और आपका 10th का मार्कशीट होता है या फिर 12th का मार्कशीट होता है, और एक गाइस पासपोर्ट कंपलसरी है गाइस। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप मतलब बोल सकते हो कि आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। और मतलब सब मिला जुला के देखोगे तो गाइस अच्छा है, क्योंकि मतलब आपको वैसे भी अगर GP रेटिंग करना ही है तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और प्लेसमेंट रिकॉर्ड वगैरह भी ठीक ठाक ही हो, आपको अगर चांस मिले तो, अगर आपको एडमिशन मिल जाए, मिल तो जाएगा, और ट्राई कर लो, क्योंकि एक्वाटिक मैरीटाइम इंस्टीट्यूट गाइस बेस्ट इंस्टीट्यूट है। और उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब बोल सकते हो कि टॉप 10 में आता है, ठीक है। और मतलब अगर आपको कोई डाउट्स है जैसे कि प्लेसमेंट से रिगार्डिंग या फिर किसी और रिगार्डिंग, तो आप डायरेक्ट मतलब एक्वाटिक मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में कॉल करके भी वहाँ पे पूछ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग आपको हेल्प कर देंगे। बट ओवरऑल देखेंगे तो गाइस वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है, ऐसा कुछ नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने प्लेसमेंट में भी बता दिया आपको, फ़ीस भी बता दिया, फ़ीस उनका जो भी है 2,40,000 है, ठीक है। तो और ऑल ओवर कैंपस वगैरह भी गाइज अच्छा है आपका, मतलब जो भी बोल सकते हो कि मतलब फूड्स हो गया या फिर ऑल ओवर कैंपस की जो फैसिलिटीज़ है, हॉस्टल्स हो गए गाइज, सब अच्छा है, कुछ नहीं है। 6 मंथ आपको निकालना है गाइज, कौन सा आपको वहाँ पे मतलब 1.5 साल 2 साल रहना है, ओवरऑल आपको बंदी 6 मंथ वहाँ पे निकालना है, तो सी गाइज सब कुछ बेस्ट है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आप लोग को हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।